हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आए हैं। दोस्तों, अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करने के लिए आपको किन किन नाप की ज़रूरत होगी, पहले तो ये जान लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अम्ब्रेला प्लाजो काटने के लिए ज़रूरत होगी प्लाजो की लंबाई की, उसके बाद ज़रूरत होगी दोस्तों कमर की, और फिर उसके बाद ज़रूरत होगी हिप की। ये तीन साइज़ दोस्तों अम्ब्रेला प्लाजो काटने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों, हमने जो अपने प्लाजो की लंबाई रखी है वो रखी है 28 इंच, और कमर रखी है 30 इंच, और हिप रखी है 36 इंच। तो ये जो एक साइज़ है दोस्तों, नॉर्मल साइज़ है, मतलब कि छोटा साइज़। अगर आपका साइज़ इस साइज़ से हटकर भी होता है, छोटा या बड़ा या और भी ज़्यादा हैवी साइज़, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं, अगर आप हमारे इस फॉर्मूले को अपना लेंगे तो किसी भी साइज़ के लिए अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं आपको अम्ब्रेला प्लाजो काटने के लिए अपने कपड़े को किस प्रकार से बिछाना है। तो दोस्तों, अम्ब्रेला प्लाजो काटने के लिए हमने यहाँ पर अपना एक 2 मीटर का पीस लिया हुआ है। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कपड़ा ले लें। अब हम आपको बताते हैं कि प्लाजो का कपड़ा किस तरीके से बिछाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, मैसेज ये है, हमारे रूप सर ने अभी अभी एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है पीके है क्या। दोस्तों, आपको चैनल का नाम सुन के थोड़ी हंसी तो आई होगी, लेकिन इस चैनल की जो खूबियाँ हैं उनको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। उस चैनल के अंदर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना सिखाए जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी बनाने को सोचा भी नहीं होगा, मतलब कि बचे हुए कपड़े में, फटे हुए कपड़े में और पुराने बेस्टेज कपड़ों को रीयूज़ करना उसमें वो आपको बताएंगे। तो अगर दोस्तों उनके चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कपड़ा किस तरीके से बिछाया जाएगा। कपड़े को पहले तो इस तरीके से खोल लें, जैसे मार्केट से आता है उस तरीके से खोल लें, और खोलने के बाद में दोस्तों आपको अपने कपड़े को इस तरीके से काउंटर पर डालना है। ये देखिए दोस्तों, डबल कपड़ा हमने किया हुआ है। डबल कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में एक इस साइड पर करनी है और एक इस साइड पर करनी है। खुला हुआ वाला हिस्सा देखिए आपकी तरफ है और बंद वाला हिस्सा देखिए हमारी तरफ है। अब हम इसको किस तरीके से दोस्तों फोल्ड करेंगे, ये देखिएगा ध्यान से। इस वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस वाले कॉर्नर पर लाकर रख देंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए, यहां पर हमारी एक ट्रायंगल शेप बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको घुमाकर इस तरीके से सेंटर में रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने कपड़े पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों आपको करनी होगी मार्किंग, सबसे पहले अपनी कमर की। तो दोस्तों, कमर की मार्किंग कहाँ से शुरू करेंगे, देखिए कमर की मार्किंग जो करेंगे शुरू यहाँ से। तो कमर की मार्किंग करने के लिए आपको ज़रूरत होगी अपने कमर के साइज़ की। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कमर का जो साइज़ है वो 30 इंच है, तो 30 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद में आता है 7.5 इंच, मतलब कि 7.5। अब हम यहाँ पर अपना 7.5 पर निशान ढूंढेंगे कहाँ पर आता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 7.5 पर निशान ये आता है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम आधा इंच ऐड कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, जब हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमारा आधा इंच मार्जिन चला जाएगा, तो हमारा टोटल बनेगा यहाँ पर 8 इंच। तो 8 इंच पर मार्क हम यहाँ पर अपना इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर आपको मार्क नहीं लगाना है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आपका साइज़ कुछ भी होता है, आपको उसका 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने इंच टेप को लाते हुए आधा इंच का मार्जिन उसमें ऐड कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो ये निशान लगाया है, इस निशान से इस कॉर्नर तक नापेंगे आपका कितना आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 10 इंच। अब आपको यहाँ से अपने इंची टेप को हटने नहीं देना है 10 इंच से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस तरीके से गोलाई में मार्क लगाना है। अब हम अपने इस निशान को थोड़ा डार्क कर लेते हैं।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आधा इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, क्योंकि जब आप अपने इसमें लास्टिक जोड़ेंगे तो उसमें आपका मार्जिन आधा इंच का चला जाएगा। ये देखिए, इसके बाद दोस्तों आपको लगानी है अपने प्लाजो की लंबाई। आपके प्लाजो की लंबाई कितनी भी हो, आपको कहाँ से नापनी है, आपको नापनी है अपने नीचे वाले निशान से। तो हमारे प्लाजो की लंबाई है दोस्तों 28 इंच, मतलब कि 28 इंच। यहाँ से हम अपना सीधा सीधा 28 इंच पर मार्क लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, ये हमने अपना 28 इंच पर मार्क लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हम पूरी लेंथ ऊपर तक नापेंगे कितनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी आ रही है 38 इंच। इसी तरीके से दोस्तों आपका कोई भी साइज हो, आपको सीधा इंची टेप यहाँ तक नापना है, और नापने के बाद में इस तरीके से धीरे धीरे अपने इंची टेप को गोलाई शेप में ले जाकर पूरा मार्क लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका इंची टेप यहाँ से हटे ना, 38 इंच पर रखा है तो 38 इंच पर ही रहे। तो ये हमने अपनी पूरी गोलाई में निशान लगा दिया है। इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन और लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें नीचे की तरफ पीको करनी है। अगर दोस्तों आपको फोल्ड करनी है तो आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। तो हम इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए इसी तरीके से निशान लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नीचे वाले निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हमने अपने निशान को डार्क कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है अपने आसन का निशान। तो आसन का निशान जो लगेगा दोस्तों वो इस साइड पर लगेगा। कैसे लगाएंगे आसन का निशान? आसन का निशान लगाने के लिए दोस्तों आपको ज़रूरत होगी अपने हिप वाले साइज़ की। तो हमने यहाँ पर अपनी हिप का साइज़ जो रखा है वो 36 इंच है, लेकिन अगर आपका साइज़ कुछ भी होता है, फॉर्मूला यही रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं। आपको अपने 36 इंच को 3 से डिवाइड कर लेना है, मतलब कि अगर आपका कोई भी साइज़ है आपको 3 से ही डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करने के बाद में हमारा यहाँ आता है 12 × 36 इंच, मतलब कि 12 इंच का आसन यहाँ पर हमारा तैयार बनता है। और 12 इंच में से हमने अपनी जो लास्टिक लगानी है वो 1 इंच चौड़ी लगानी है। आपकी अगर लास्टिक इससे ज़्यादा चौड़ी होती है तो आपको क्या करना है, उतना ही घटा देना है। हम यहाँ पर अपना 1 इंच 12 इंच में से घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 11 इंच। तो अब हम अपने नीचे वाले निशान से 11 इंच पर एक मार्क लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों अंदर की तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना होगा आपको इस तरीके से, मतलब कि 1 + 1/2 इंच पर। और इस निशान से यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल इस तरीके से आपको क्रॉस करते हुए निशान को मिला देना है, और फिर आपको इस तरीके से ये भी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है वो इस तरीके से बनकर आ गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ से अपनी गोलाई दे दी है, और अब हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कटिंग करेंगे ऊपर की तरफ से, जहाँ से हमने अपना 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। और ये जो गोलाई वाला आप मार्क देख रहे हैं इस पर आपको सेम कटिंग करनी है बिल्कुल। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर अपनी गोलाई की कटिंग कर दी है। तो ये हमारा आसन हो गया। इसके बाद दोस्तों हम कटिंग करेंगे अपनी नीचे से, जो हमने अपना नीचे की तरफ अपना 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है, और इसके बाद हम निकालेंगे अपनी लास्टिक लगाने के लिए कपड़ा। तो कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों लास्टिक लगाने के लिए हमने जो अपना कपड़ा निकालना है वो निकालना है अपने बचे हुए कपड़े में से। तो ये हमने अपने बचे हुए कपड़े पर फिनिशिंग के साथ प्रेस कर ली है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको लास्टिक के लिए अपना कपड़ा निकालना है।
दोस्तों आपको अपनी कमर की जो पूरी गोलाई है वो नाप लेनी है और नापने के बाद उसमें 1 इंच ऐड करके अपने कपड़े की लंबाई निकाल लेनी है। तो जैसे कि हमारी यहाँ पर कमर की जो गोलाई है वो 30 इंच है, मतलब कि 30 इंच, 30 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31 इंच, मतलब कि 31 इंच। तो यहाँ पर हम 31 इंच पर अपना इस तरीके से एक मार्क लगा लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी कमर की लंबाई। आपके साइज लंबाई कमर का कितना भी हो इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको चौड़ाई किस तरीके से निकालनी है, चौड़ाई आपको निकालनी है इस तरीके से, आपकी इलास्टिक चाहे कितनी भी चौड़ी हो उसका आप डबल ले लें और डबल लेने के बाद में उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लें जितनी भी आपकी चौड़ाई है। तो हमारी यहाँ पर जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो है 1 इंच, तो 1 इंच का डबल हुआ 2 इंच, मतलब कि 2 इंच, इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 इंच, यानी 3 इंच। तो हम यहाँ पर अपनी कपड़े की जो चौड़ाई निकालेंगे वो निकालेंगे 3 इंच। तो अब हम अपने इलास्टिक वाले कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए मशीन पर अब हम आपको बताते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे होगी प्लाजो की। तो दोस्तों स्टिचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ये पल्ले कुछ इस प्रकार से खोलने होंगे दोनों, ये देखिए। और खोलने के बाद में दोस्तों आपको आसन वाली सिलाई एक साइड से लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो दोस्तों ये हमने अपनी आसन वाली सिलाई लगा दी है, इसके बाद हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से खोलेंगे, ये देखिए ये हमारा दूसरा वाला आसन है और इसकी इस साइड पर ये भी हमारा दूसरी साइड का आसन है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारी टोटल जो कमर है ये है, इसमें हम अपना जो 31 इंच लंबा कपड़ा काटा था उसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, पहले हम अपने प्लाजो को इस तरीके से उल्टा सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद में अपनी पट्टी को ऊपर की तरफ उल्टा रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरी पट्टी को अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद में इसके बाद हम लगाएंगे इस पट्टी के अंदर इलास्टिक। अब इलास्टिक किस प्रकार से लगाएंगे ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो दोस्तों ये हमारी इलास्टिक है और इलास्टिक को कमर के अनुसार कैसे रखा जाता है ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जो कमर है वो है 30 इंच गोलाई में, तो इलास्टिक को किस प्रकार से लेंगे 6 इंच कम करते हुए, मतलब के 24 इंच, मतलब के 24 इंच। तो यहाँ से हम अपना 6 इंच कम करते हुए 24 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसके बाद आपकी कमर का साइज चाहे कितना भी हो आपको उसमें 6 इंच कम करके इलास्टिक ले लेनी है। तो यहाँ पर हम 6 इंच कम करते हुए इलास्टिक को कट कर देते हैं, इसी में हमारा मार्जिन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब हम अपनी इलास्टिक को प्लाजो में अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे ये चीज़ भी हम आपको बता रहे हैं। इसको अटैच करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से अपनी इलास्टिक को रखना होगा। देखिए ये हमारा जो प्लाजो का है उल्टा भाग ऊपर की तरफ, अब इलास्टिक को इसके बीच में इस तरीके से रखेंगे, मार्जिन जो है वो इस तरीके से ऊपर कर देंगे और ऊपर करने के बाद में इलास्टिक को ऐसे रखेंगे, मतलब के मार्जिन से 1 पॉइंट अंदर की तरफ, ये देखिए। और फिर ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में एक फोल्ड और लगाएंगे अंदर की तरफ, ये देखिए ऐसे करके ये हमने फोल्ड लगा दी है। और लगाने के बाद में दोस्तों पहली सिलाई आप जो शुरू करेंगे वो यहाँ से करेंगे ऐसे करके, ताकि आपकी इलास्टिक जो आप इस तरीके से खींचें तो खींचकर बाहर की तरफ ना आए। तो ये हमने अपनी इलास्टिक को अटैच कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम जो सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे अपने कपड़े की इस वाली किनारी पर, देखिए ये जो किनारी बनकर हमारी तैयार हो रही है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अंदर की तरफ आपकी जो इलास्टिक है उस पर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी जो लास्टिक है वो इतने बीच पर कम पड़ रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने बूट को इस तरीके से उठाएंगे और उठाने के बाद में इस तरीके से अपनी लास्टिक को खींच लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमारी जो लास्टिक है वो इसी तरीके से हम पूरी कर लेंगे खींच खींच कर, और खींचते हुए इस तरीके से हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों आपको अपनी लास्टिक पे फिर से टांकी इसी तरीके से बांध देनी है जैसे कि यहाँ पर बांधी थी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों हमारी पूरी लास्टिक पर कहीं से कहीं तक सिलाई नहीं चढ़ी है। ये देखिए पूरी लास्टिक हमारी खींचकर इस तरीके से कंप्लीट हो गई है गैदर स्टाइल की। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा मिलाकर, ये हमारा सारा कुछ उल्टा है, उल्टा मिलाने के बाद में अपने ये वाले आसन को मिलाकर कंप्लीट करके सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों लास्टिक को सही तरीके से मिला लेंगे ऊपर नीचे ना हो, और यहाँ पर टांकी बांधते हुए पूरी सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने प्लाजो को इस तरीके से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर आसन से आसन इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए और मिलाने के बाद में हमारा ये एक पोंचा हो गया तैयार इस तरीके से। ये देखिए ये आसन से आसन मिला दिया, ये हमारे गैदर से मतलब कि गिदरी वाला जो हिस्सा है, तो अंदर की तरफ हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सेंटर आ गया है, सेंटर में आपको क्या करना है, बिल्कुल एक दूसरे से जॉइंट सही तरीके से मिला लेना है, और मिलाते हुए ही आपको अपनी सिलाई को लगाना है। तो ये हमने अपनी गिदरी की सिलाई लगा ली है। इसके बाद दोस्तों गिदरी की एक सिलाई इसके ऊपर और लगा लें जिससे कि आपकी मजबूती बढ़ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पर इंटरलॉक कर लेनी है और फिर यहाँ इंटरलॉक कर लेनी है जिससे कि आपके प्लाजो में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो दोस्तों गिदरी की सिलाई लगाने के बाद में आपके प्लाजो में जो लास्ट काम बचता है वो ये है नीचे की तरफ पीको करना, और पीको करने के बाद में आपका अम्ब्रेला कट प्लाजो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको हमारे अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाने का और काटने का तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, और दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फोटो डालते रहते हैं। वहां से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।